सीजन की शुरुआत में हमें ड्यूक इम नामी बच्ची के बारे में बताया जाता है जिसको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है और वो दूसरों को कहानियाँ सुनाकर पैसे कमाती है वो महल में बाकी बच्चियों के साथ रहती है जिनका काम महल की देखभाल करना है एक दिन उसे लेडी जो पकड़ लेती है वो इन बच्चियों की देखभाल करती है और महल के काम भी संभालती है ड्यूक एम की सच्चाई देख कर लेडी जो बहुत खुश हो जाती है और उसे अपने पास रोक लेती है अगले दिन सारी बच्चियाँ पढ़ाई कर रही होती हैं, जहाँ उनकी टीचर से उन्हें एक खास किताब में लिखी पोएम के बारे में बताती हैं, जिसे पढ़ने से किंग ने किसी को भी मना किया है क्योंकि उन्हें उस किताब में लिखी एक पोएम से नफरत है दूसरी तरफ प्रिंस जोंग जो के बचपन को दिखाते हैं जो अपने कमरे में बैठ कर पढ़ाई कर रहा था तभी उसे कोई आकर बताता है कि उसकी की उसकी ग्रैंड माँ की डेथ हो गयी है वो रात में छुप कर अपनी ग्रैंड माँ की डेड बॉडी को एक आखिरी बार देखने के लिए निकलता है जहाँ रास्ते में उसे डियो के मिल है जिसे लेडी जो ने पिशमेंट के तौर पर ग्रैंड माँ की डेड बॉडी को रिस्पेक्ट देने के लिए अकेले भेजा था वो रास्ता भटक गई थी तो ज्योंग जो उसे अपने साथ लेकर ग्रैंड माँ के पास पहुँचता है जहाँ दोनों साथ उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं दोनों बात करने लगते है की इतने में उन्हें किसी के आने की आवाज आती है और वो घबरा कर छुपने की जगह ढूंढने लगते है क्यूँकी किंग योंग जो ने किसी को भी वहाँ आने ऐसी मना किया था जो किम को एक विंडो नजर आती है जहाँ से वो प्रिंस को तो बाहर निकाल देती है लेकिन खुद पीछे रह जाती है तब किंग योंग जो कमरे में आते हैं और ड्यू किम उनसे माफ़ी मांगना शुरू हो जाती है किंग जब उसकी शक्ल देखते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं और उससे उसके शौक के बारे में पूछने लगते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उसे किताब ही लिखना और पढ़ना पसंद है तब वो उसे ग्रैंड माँ की अपने हाथ से लिखी हुई किताब गिफ्ट करते हैं फिर वो उसे वहाँ से वापस भेज देते हैं प्रिंस और ड्यू किम की दोबारा मुलाकात नहीं होती वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसका नाम न ना पता होने की वजह से उसे ढूंढ नहीं पाता अगले दिन प्रिंस अपने कमरे में वो किताब खोलता है जिससे किंग ने पढ़ने से मना किया था तभी उसका गुलाम हॉम उसे रोकता है और बहुत समझाता है कि किंग उससे गुस्सा हो जाएंगे प्रिंस उसकी बात सुनकर किताब को वापस रखाता है लेकिन ऐसा करते हुए कोई उसे देख लेता है ड्यूकिम जंगल में घूमते हुए दो लड़कियों की बातें सुन लेती है कि वो कैसे किंग को प्रिंस के उस खास किताब को पढ़ने के बारे में बताने वाली है ताकि प्रिंस को क्राउन ना दिया जाए किंग को जैसे ही ये बात पता चलती है तो वो फौरन अपने गुलामों से वो किताब ढूंढ कर लाने के लिए कहते हैं जब उनके गुलाम लाइब्रेरी में आते हैं तो ड्यूक एम उस किताब के साथ वहीं छुपी हुई होती है और उसके वो खास पोएम वाली पेज को पढ़कर किताब जमीन पर फेंक देती है जिससे होंग देख लेता है और छुपके से किताब उठा कर किंग के गुलामों को दे देता है ड्यूक एम की वजह से प्रिंस बच जाता है प्रिंस वापस आकर होंग से उस फटे हुए कागज के बारे में पूछता है हॉम झूठ बोलकर प्रिंस को कहता है कि पेज उसने फाड़ा था जिस पर प्रिंस उसका बहुत शुक्रिया करता है ऐसे ही अब दोनों ज्योकजो और ड्यूकिम एक दूसरे से बगैर मिले बड़े हो जाते हैं ड्यूकिम एक बहुत अच्छी राइटर और लाइब्रेरी की केयर टेकर बन गई है वो जल्दी जल्दी में कहीं जा रही होती है उसका पाँव फिसल जाता है और वो दरिया के किनारे खड़े जोंगजो को अपने साथ पानी में गिरा देती है जोंगजो गुस्से में बाहर निकलकर उसे बिना देखे वहाँ से चला जाता है उस गुलाम ड्यूकिम को कहता है कि उसे एक लेटर लिखकर प्रिंस से माफ़ी मांगनी होगी और प्रिंस को खुद लेटर ले जा कर देना होगा ड्यूकिम को ये काम बहुत आसान लगता है और वो खुशी खुशी उठकर कर वहाँ ऐसी चली जाती है रात के वक्त कुछ लोग ज्योन्ग जो के कमरे के बाहर हमला करके भाग जाते हैं ज्योन्ग जो को बाहर एक लेटर मिलता है जिस पर लिखा था की वो अपने पिता की गलती की वजह ऐसी राजा नहीं बन सका होंग ज्योन्ग जो ऐसी वादा करता है की वो इस खत लिखने वाले को ढूंढ निकालेगा अगले दिन ड्यूकिम लाइब्रेरी की अच्छे से सफाई करके खिड़की के पास किताब में कुछ लिखने बैठती है तो उसे सामने वाले कमरे ऐसी जोंगजो को अपने लोगों को समझाने की आवाज़ आती है और वो सुनने लगती है थोड़ी देर बाद जोंगजो लाइब्रेरी में आ जाता है और क्योंकि ड्यूकेम ने अभी तक उसकी शक्ल नहीं देखी थी तो वो उसे पहचान नहीं पाती जोंगजो खिड़की के पास आकर देखता है कि यहाँ से कोई भी आराम से उसकी आवाज़ सुन सकता है और वो ड्यूकेम पर गुस्सा करने लग जाता है जिस पर ड्यूकेम भी उसे लड़ने शुरू हो जाती है ज्योन्ग जो किम को नहीं बताता कि वो प्रिंस है और उसे पैसे देकर लाइब्रेरी में आने वाले लोगों के बारे में पूछता है ड्यू किम पैसे देख कर गुस्सा हो जाती है और ज्योन्जो को झाड़ू मार के लाइब्रेरी से बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर देती है ज्योन्ग जो जु भी बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है लेडी जो ड्यू किम को अपने पास बुलाती है और एक किताब देकर उसे वैसी दूसरी किताब लिखने के लिए कहती है थोड़ी बातचीत के बाद ड्यू किम मान जाती है और अगले दिन लाइब्रेरी दोबारा आती है जहाँ उसे ज्योन्ग जो मिलता है उसने इसकी किताब पढ़ ली थी जिसमे ड्यूकिम ने वो सारी बातें लिखी थी जो वो सामने वाले कमरे में दूसरों को पढ़ाता था और उसे ड्यूकिम कोई जासूस लगने लगती है वो उस पर दोबारा गुस्सा करने लगता है लेकिन ड्यूकिम की बातों से उसे बचपन वाली लड़की की याद आने लगती है इतने में ड्यूकिम उसे समझाती है कि वो किताबें लिखती है और इससे पैसे कमाती है पहले तो ज्योन्ग जो उस पर यकीन नहीं करता लेकिन जब ड्यूकम उसे कागज पर कुछ लिख कर दिखाती है तो उसे उसकी बातों पर यकीन आ जाता है ड्यूकियम उससे उसका नाम पूछती है तो वो झूठ बोलकर कि वो प्रिंस का टीचर है वहाँ से चला जाता है अगले दिन ड्यूकियम माफी वाला लेटर लिख कर प्रिंस के पास पहुँचती है और क्यूँकी इन्हें प्रिंस की शक्ल देखने की इजाजत नहीं वही जमीन आरोप झुक जाती है ज्योंगजू जुँ उसके लेटर में बहुत सारी गलतियाँ निकाल कर उसे लेटर दोबारा लिखने के लिए कहता है ड्यूकियम लाइब्रेरी आती है तो वहाँ उसे ज्योंगजू किताब पढ़ता नजर आता है और और वो उससे लेटर लिखने के लिए मदद मांगती है जोंगजो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन उससे लाइब्रेरी में मौजूद टाइगर के ऊपर सारी किताबें ढूँढ कर लाने के लिए कहता है एक टाइगर काफी लोगों को मार रहा है और जोंगजो पकड़ना चाहता है इसीलिए वो काफी दिनों से लाइब्रेरी आ रहा है ड्यूकिम उसकी मदद करती है और अगले दिन लेटर लेकर दोबारा प्रिंस के पास पहुंचती है जो उसका लेटर फिर से रिजेक्ट कर देता है ऐसे कुछ दिनों तक चलता रहता है और ड्यूकेम बहुत गुस्से में जाती है एक रात ड्यूकिम लाइब्रेरी का ख्याल रखने में लगी रहती है और जोंगजो टाइगर का शिकार करने जंगल में पहुंचता है जहां उसके लोग उसे बताते हैं कि टाइगर महल की तरफ चला गया है जोंगजो फौरन वापस आकर लाइब्रेरी में ड्यूकम का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ बाहर ला उसकी मदद करने के लिए कहता है वो चाहता है की ड्यूकिम महल की सारी नौकरानियों को सुरक्षित कहीं और ले जाए ताकि वो लोग टाइगर को पकड़ सके ड्यूकम उसकी बात सुनने के बाद फौरन अपनी दोस्तों के पास आती है जहाँ वो उनकी और लेडीसियों की मदद ऐसी सबको सुरक्षित जगह ले जाने में कामयाब हो जाते हैं दूसरी तरफ ज्योन्गजो भी टाइगर को पकड़ लेता है लेकिन क्योंकि उन्होंने ये काम किंग की इजाजत के, के बगैर किया था तो किंग उसे और उसके साथियों को सजा देने का फैसला करते हैं ये सुनकर ज्योन्गजो की बहने जो ड्यूकिम की बहुत अच्छी दोस्त भी है उसकी मदद मांगती है और उसे किंग की पसंदीदा किताब लिख उन्हें देने के लिए कहती है ड्यूकिम एक रात में पूरी किताब मुकम्मल कर लेती है और अगले दिन किंग के पास किताब के साथ पहुँच जाती है किताब देख कर किंग खुश होकर ड्यूक इम ऐसी उसकी विश पूछते हैं लेकिन जब वो प्रिंस और उनके साथियों को माफ़ करने की बात करती है तो किंग बहुत गुस्से में आ जाता है मगर थोड़ी और बातचीत के बाद उसे वहाँ से बिना कुछ बोले बाहर भेज देते हैं रात में किंग खुद जाकर ज्योन्गजो को गली लगा कर उसे माफ़ कर देते हैं और ज्योन्गजो की बहनें आकर अगले दिन ड्यूक इम को शुक्रिया कहती है तभी उन्हें जंगल में प्रिंस घूमता हुआ नजर आता है तो उसकी बहनें ड्यूकिम को उससे मिलवाने लेकर जाती है जहां आखिर ड्यूकिम ज्योंगजो की शक्ल देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि वो प्रिंस है ज्योकजो उससे कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है कि तब होंग आकर उसे जरूरी काम से अपने साथ ले जाता है ज्योंगजो के जाने के बाद ड्यूकिम बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने उससे झूठ बोला था लेकिन उसी दिन लेडी सियो से उन लोगों को पता चलता है कि उनका रैंक बढ़ गया है इसीलिए अब से वो लोग महल के अंदर काम करेंगी ड्यूकिम लाइब्रेरी में अपना सामान पैक करने आती है जहाँ उसे ज्योन्गजो मिलने आता है ड्यूकिम उसे बहुत इज्जत देती है लेकिन ज्योन्गजो उससे माफी मांग नॉर्मल बर्ताव करने के लिए कहता है वो थोड़ी देर लाइब्रेरी में बैठ कर उससे बात करता है और फिर उसे गुड बाय कहकर चला जाता है अगले दिन लेडी कोआन इनका टेस्ट लेती है और उसे ड्यूकिम की राइटिंग बहुत पसंद आती है ऐसे ड्यूकिम को ज्योन्गजो की पर्सनल लेडी बना दिया जाता है ड्यूकिम इस काम से खुश नहीं होती लेकिन ज्योन्गजो उसे देखकर खुश नजर आता है इन लोगों को महल से बाहर जाने की इजाज़त मिल जाती है और ड्यूकिम ज्योन्गजो की माँ हाईबिन से मिलने जाती है जिसने उसकी और उसके भाई की जान बचाई थी हाईबिन ड्यूकिम से प्रिंस के बारे में जानकारी लेकर उसे देने के लिए कहती है जिसके बदले में वो उसे उसके भाई से मिलने देगी ड्यूकिम कुछ नहीं कहती और महल वापस आ जाती है रात में वो ज्योन्गजो का पीछा करने लगती है की होंग और उसके गार्ड्स पकड़ लेते हैं होंग उसे गार्ड से उसे मार देने के लिए कहता है लेकिन ज्योन्गजो आकर उसे बचा लेता है और अपने साथ ले जाता है ड्यूकिम उसे बता देती है कि उसे हाईबिन ने भेजा था जिसके बाद वो उससे माफ़ी भी मांगती है ज्योंगजो उसे माफ़ करके अपने साथ अपने खास कमरे में लाता है जहाँ वो सबके साथ हर रात मीटिंग करता है और ड्यूकम को उनके ग्रुप का हिस्सा बना देता है ड्यूकिम और हॉन्ग एक दूसरे को गुस्से ऐसी घूरने लगते है हॉन्ग ड्यूकिम ऐसी सवाल करना चाहता है लेकिन ज्योगजो सारे जवाब देता है जिस पर होंग चुप हो जाता है अगले दिन होंग आकर ड्यूकिम से माफी मांगता है लेकिन ड्यूकिम उस पर भरोसा नहीं करती और वो वहाँ से चला जाता है ज्योंगजो पर प्रिंसेस हुआ झूठा इल्जाम लगाती है क्योंकि वो नहीं चाहती की ज्योंगजो राजा बने बल्कि अपने बेटे को राजा बनाना चाहती है किंग ज्योंगजो को दस दिन के लिए अपने कमरे में बंद रहने की सजा देता है जब ड्यूकम को इस बारे में पता चलता है तो वो रात में छुप किताबें लाती है और ज्योन्गजो के दरवाजे के बाहर बैठ उसे सुनाने लगती है जोंगजो भी खुशी खुशी उसकी कहानियाँ सुनने लगता है किंग जोंगजो से मिलने आता है और उसे थप्पड़ मारता है वो उस पर बहुत गुस्सा करने के बाद वहाँ से चला जाता है ड्यूकिम जो पूरे वक्त वहाँ मौजूद थी किंग के जाने के बाद दरवाजे के बाहर से जोंगजो को तसल्ली देती है और जोंगजो उसे अपने साथ रहने के लिए बोलता है दोनों पूरी रात बातें करते हैं ऐसे आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे को और समझने लगते है जोंगजो ड्यूकिम को अपनी मीटिंग में जाने के लिए बोलता है और उनके लिए उसके हाथों पैगाम पहुंचवाता है कि वो प्रिंसेस हुआ आरोप नजर रखे ड्यूकिम फैसला करती है कि वो क्वीन जंगसून की मदद लेगी जोंगजो को बचाने में इस बात की इजाज़त वो आकर जोंगजू से लेती है और वो उसे इजाज़त दे दी देता है ड्यूकिम क्वीन को मना लेती है और उसकी मदद ऐसी जोंगजो की भी सजा माफ करवा देती है दिन गुजरते जाते हैं और जोंगजू ड्यूकम को पसंद करना शुरू हो जाता है एक रात ड्यूकिम महल से बाहर बाजार आती है जहाँ कोई उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन एक लड़का उसे आकर बचा लेता है ड्यूकिम फौरन पहचान लेती है कि वो उसका भाई संग सिख है दोनों एक दूसरे को गले लगाकर बहुत रोते हैं और अच्छी खासी बातें करते हैं लेडीस यो ज्योन्गजो के पास ऑरेंज लेकर जाती है जिस पर वो ड्यूकिम का उससे पूछता है लेडी सियो झूठ बोल देती है कि की ड्यूकिम की तबीयत खराब है इसीलिए वो नहीं आई ज्योन्गजो को उसकी फिक्र होने लगती है और वो अपना औरेंज ड्यूकिम के लिए छुपा रख देता है अगले दिन वो गार्डन में पढ़ाई करने आता है और ड्यूकिम को अपने साथ लाता है आखिर कुछ बातों के बाद वो ड्यूकिम को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताकर उसे ऑरेंज पकड़ाता है लेकिन ड्यूकिम ऑरेंज लेने से इनकार कर देती है यानी उसने जियोंगजो की फीलिंग्स को रिजेक्ट कर दिया है जियोंगजो दुखी होकर वहाँ से चला जाता है वो महल में घूमने लगता है तभी उसे ड्यूकिम किसी लड़के से मिलते हुए नजर आती है उसे नहीं पता था कि वो उसका भाई है इसीलिए वो बहुत गुस्से में आ जाता है और वहाँ से चला जाता है रात में जब ड्यूकेम लाइब्रेरी में काम से आती है तो वहाँ ज्योंग जो को देख डर जाती है दोनों की लड़ाई होने लगती है की इतने में ज्योंग जो उसके बहुत करीब आ जाता है लेकिन कुछ करे बगैर उसे वही छोड़ चला जाता है अगले दिन सारी नौकरानियों के कमरे की छानबीन करवाई जाती है तो ड्यूकेम के पास से एक रॉयल किताब मिलती है ये वही किताब थी जो बचपन में किंग ने उसे गिफ्ट की थी ड्यूकेम को पकड़कर क्वीन जंगसून के पास लाया जाता है जो उसे फांसी देने की सजा सुनाती है लेकिन तब ज्योन्ग जो आकर उसे रोक लेता है और पहले किंग से मिलने के लिए कहता है किंग को भूलने की बीमारी हो गई है इसीलिए ज्योंग जो थोड़ा परेशान नजर आता है लेकिन डियो किम की बातें सुनकर किंग को सब याद आ जाता है ज्योन्ग जो को भी पता चल जाता है की किम उसके बचपन की दोस्त है वो बाद में गार्डन में उससे मिलने भी जाता है जहाँ वो उसे सब सच बताता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं दूसरी तरफ लेडी जो एक महल की सारी बड़ी नौकरानियों को अपने साथ मिलाने में लगी हुई है ताकि वो ज्योन्गजो को राजा नहीं बनने दे वो लेडिसियो को भी मजबूर करके अपने साथ मिला लेती है किंग ज्योंगजो को एक लंबे सफर पर कहीं जाने के लिए बोलता है ज्योन्गजो अपना सामान बांध कर लम्बे सफर के लिए निकल जाता है जिसमे किम भी उसके साथ जाती है जब वो लोग उस जगह पहुँचते हैं तो पता चलता है की खाने का सामान कम है इसीलिए ड्यू किम को अपने साथ लेकर खाने की तलाश में दूर निकल जाती है पीछे एक नौकरानी वॉल लेडी जो के कहने पर उनके सारे हथियारों को खराब कर देती है ड्यूकिम जब दरिया के किनारे पहुंचती है तो उन्हें वहां दरिया में बॉम्ब मिलते हैं जो खराब कर दिए गए हैं लेडी सियो समझ जाती है की ये लेडी जो का काम है और वो ड्यूकिम को सब सच बता देती है ड्यूकिम किसी तरह ज्योंगजो को खबर देने में कामयाब हो जाती है की उस पर हमला होने वाला है जिस वजह ऐसी ज्योंगजो बहुत अच्छे ऐसी हमला करने वालों को संभाल लेता है इसके बाद ये लोग महल वापस आ जाते हैं जहाँ लेडी को बचाने के लिए ड्यूकम जो का कमरा छानती है उसे वहाँ खुफिया रास्ता मिल जाता है और लेडी पार्क भी मिलती है जो बहुत जख्मी होती है वो उन्हें उठाकर अपने साथ ले जाती है लेडी जो जब वापस आकर लेडी पार्क को गायब देखती है तो बहुत गुस्से में नजर आती है और सीन यही कट हो जाता है यहाँ हमें पता चलता है की जोंग जो के पिता को सबके सामने बदनाम लेडी जो ने ही किया था और उसका कत्ल भी उसने करवाया था ये सब लेडी पार्क ने देख लिया था इसीलिए लेडी जो ने उसे पकड़ कर रखा हुआ था इतने में प्रिंसेस हुआ लेडी जो के पास आकर उसे ज्योन्ग जो को राजा बनने से रोकने के लिए कहती है ज्योंग जो एक बड़ी दावत का इंतजाम करता है जहाँ लेडी जो किंग के खाने को बदल देती है और उसके सामने वो खाना आ जाता है जिससे वो नफरत करता है किंग बहुत गुस्से में आ जाता है और ज्योक जो को बड़ी सजा देने का फैसला करता है ड्यूकिम बहुत परेशान नजर आती है लेकिन फिर लेडी पार्क उसके कमरे से बाहर आकर ड्यूकिम को एक रास के बारे में बताती है रास सुनने के बाद ड्यूकिम फौरन क्वीन के पास उसकी मदद मांगने पहुँचती है जिसके लिए क्वीन तैयार हो जाती है क्वीन ड्यूकिम के साथ किंग के पास महल आती है जहाँ किंग की इजाज़त से ड्यूकिम उसे रास के बारे में बताती है किंग को कुछ याद आता है और वो अपनी कुर्सी के पीछे से एक कागज निकालता है जिस पर उसने ज्योंगजो के पिता से वादा किया था कि वो ज्योंगजो की हिफाजत करेगा और उसे राजा बनाएगा आखिर किंग को सब याद आने लगता है और ज्योंगजो को बादशाह बना देता है ज्योंगजो के बादशाह बनने की खबर सुनकर सब बहुत खुश नजर आते हैं लेडी जो को भी जेल में डलवा दिया जाता है जो बाद में अपने आप को मार देती है किंग की तबीयत भी खराब रहने लगती है और वो भी कुछ दिन बाद मर जाता है ज्योन्गो उसकी डेथ से बहुत दुखी हो जाता है लेकिन फिर अपने आप को काम में बिजी कर लेता है एक रात जब ड्यूकिम उसे दवाई देने आती है तो वो उसे अपनी बीवी बनने के लिए कहता है और उसे सोचने का वक्त देता है कुं ंगजो के लिए वाइफ ढूंढना शुरू हो जाती है जब ज्योंग जो को इस बात का पता चलता है तो वो क्वीन पर बहुत गुस्सा करता है लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसकी मां ने सबसे पहले ड्यूकिम को ज्यूंगजो से शादी करने के लिए बोला था लेकिन ड्यूकिम ने मना कर दिया इसीलिए अब क्वीन उसके लिए लड़कियाँ ढूंढ रही है ज्योन्गजो ये सुनकर फौरन ड्यूकिम को बहाने से लाइब्रेरी बुलाता है जहाँ वो उस पर बहुत गुस्सा करता है और उससे वजह पूछता है ड्यूकिम बताती है कि वो आम जिंदगी जीना चाहती है इसीलिए वो उससे शादी नहीं कर सकती ये सुनकर ज्योंगजो वहाँ से चला जाता है और होंग की बहन डैन से शादी करने का फैसला कर लेता है लेकिन अचानक एक रात डैन मर जाती है जिस वजह से होंग बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बहन को मारा गया है और वो कतिल को ढूंढना शुरू हो जाता है एक एक करके महल की नौकरानियाँ गायब होना शुरू हो जाती है जिनकी तलाश में ज्योंगजो को पता चलता है की इसके पीछे होंग का हाथ है दूसरी तरफ ज्यूकिम अपनी दोस्त को ढूंढते हुए जो गायब नौकरानियों में से एक थी होंग की खुफिया जगह पहुंच जाती है जहां होंग उसे पकड़ लेता है इससे पहले वो कुछ भी कर पाता ज्योंग जो वक्त पर वहां पहुंचकर कर होंग को पकड़कर अपने साथ महल ले आता है जहां वो उसे फांसी की सजा सुनाता है लेकिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो उसके बचपन का दोस्त है वो होंग को हमेशा के लिए महल छोड़ने की सजा सुना कर ड्यूकिम से मिलने लाइब्रेरी आ जाता है दोनों में बहुत लड़ाई होती है और ज्योन्गजो ड्यूकिम को हमेशा के लिए महल छोड़ने के लिए कह देता है लेडी सियो ड्यूकेम को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं सुनती और महल छोड़कर चली जाती है एक साल गुजर जाता है और अपनी बहन योन के घर आता है जहाँ वो ड्यूकेम को देखता है यहाँ हमें पता चलता है की ज्योन्गजो ने ही अपनी बहन को एक साल पहले ड्यूकेम को अपने साथ रखने के लिए कहा था ड्यूकिम ज्योन्गजो को देख है कर हैरान होकर वहाँ ऐसी चली जाती है अगले दिन उसे लेडी सियो ऐसी पता चलता है कि उसे महल वापस आने की इजाज़त मिल गई है जब वो वापस आती है तो देखती है कि जोंग जो ने वो बिन नामी लड़की से शादी कर ली है वो बिन ड्यूकिम को अपनी नौकरानी बना लेती है वो उस पर झूठे इल्जाम लगाकर जुल्म करने की कोशिश करती है लेकिन जोंग जो ड्यूकिम को बचा कर अपने साथ ले जाता है वो ड्यूकिम से एक बार फिर उसकी बीवी बनने की बात करता है ताकि वो उसकी हिफाजत कर सके इस बार ड्यूकिम का दिल पिघल जाता है और वो आखिर उससे शादी करने से मान जाती है शादी के बाद ज्योंगजो ज्यादा से ज्यादा वक्त ड्यूकिम के साथ गुजारने लगता है और दोनों बहुत खुश भी होते हैं एक दिन ड्यूकिम को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है इस खबर से जो भी बहुत खुश नजर आता है सीन अचानक बहुत साल बाद शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पता चलता है की ड्यूकिम का बेटा बीमारी ऐसी मर चुका है जिसकी वजह ऐसी वो और ज्योन्जो बहुत गम में है ड्यूकिम अपने बेटे से नहीं मिल पाई क्योंकि वो दूसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी कुछ दिन ऐसे ही अफसोस में गुजर जाते हैं एक दिन ड्यूकिम की दो भी मर जाती है ड्यूकिम दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है जब उसकी आंख खुलती है तो उसे सामने ज्योक जु नजर आता है जो उसके लिए बहुत परेशान था ड्यूकिम दिन ब दिन बीमार होती जाती है और ऐसे वो मर जाती है ज्योंग जो जु उसका गम बर्दाश्त नहीं कर पाता लेकिन बादशाह होने की हैसियत से उसे अपने लोगों के लिए ठीक होना पड़ता है वो ड्यूकिम का दर्द अपने दिल में ही रख कर बूढ़ा हो जाता है और आखिर बीमार पड़ जाता है आखिर वो भी ड्यूकिम के ख्याल के साथ मर जा जाता है और आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि मरने के बाद वो अपने पास्ट में चला गया है जहाँ वो ड्यूकिम के साथ खुशी खुशी एक बहुत खूबसूरत जगह खड़ा है ऐसे ये सीजन यही एंड हो जाता है थैंक यू फॉर वॉचिंग